अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्पाइस कुज़ीन। आज मैं आपके साथ एक और रमज़ान की स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसको एज अ स्नैक ले सकते हैं या एज अ साइड डिश भी इसको सर्व किया जा सकता है। पिज्ज़ा कटलेट्स मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी और इसमें हम जो पिज्ज़ा की टॉपिंग जैसे तैयार करते हैं वैसे तैयार करेंगे। चिकन टिक्का पिज्ज़ा की टॉपिंग हम तैयार करेंगे जो कि हम फिर फिलिंग करेंगे आलूओं के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी से। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है बोनलेस चिकन और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बारीक बारीक काटा हुआ है। आप चाहें तो आप चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ आज, इसलिए मैंने ये 300 ग्राम लिया है। इसमें मैं डालूँगी नमक हस्बे ज़ायका, पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी आधा चाय का चम्मच। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो इसकी मिकदार को आप ज़्यादा कर लीजिए। पिसी हुई काली मिर्च मैं इसमें डालूंगी एक चौथाई चाय का चम्मच। पिसा हुआ ज़ीरा आधा चाय का चम्मच। पिसा हुआ धनिया ये भी इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी एक चौथाई चाय का चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। पिसा हुआ लहसुन इसमें जाएगा या गार्लिक पेस्ट एक चाय का चम्मच। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी पिसी हुई अदरक, ये भी इसमें जाएगी एक चाय का चम्मच। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिली पेस्ट, ये हरी मिर्चों का है, आधा चाय का चम्मच। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप स्टोर बॉट पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेश लीमू का जूस मैं इसमें डालूंगी तीन खाने के चम्मच। तमाम अज़ा चिकन में जा चुके हैं, अब आप चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लें ताकि सारे मसाले चिकन में अच्छी तरह से लग जाएं। और अब आप इसको, ये जो चिकन टिक्का की हमने मैरिनेशन सारी इसमें लगा दी है, आप इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें ताकि मसाले चिकन में जज्ब हो जाएं। यहाँ पर अब मैंने लिए हैं उबले हुए आलू 400 ग्राम, यानी कि आधा किलो से ये थोड़ा सा कम है। इनको मैंने जस्ट सिंपली उबाल लिया था। आप इनको ग्रेट कर लें या हाथ की मदद से इसको मैश कर लें, मैंने इनको ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक आधा चाय का चम्मच। मैं मज़ीद इसमें कोई और सीजनिंग नहीं डाल रही क्योंकि इसकी जो हम फिलिंग करेंगे वो काफ़ी स्पाइसी हो जाएगी। नमक डालकर आप इसको मिक्स कर लीजिए और ये हमारी जो पोटैटो की कोटिंग हम करेंगे वो तैयार हो चुकी है। अब जो हमने चिकन मैरिनेट करने रखा था उसको पकाने की बारी है। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है दो खाने के चम्मच और इसको मैं गर्म कर लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी मैरिनेटेड चिकन। ऑयल में इसको डालकर आप इसको दो से तीन मिनट तक सौटे करें। ये बहुत जल्दी गल जाता है क्योंकि मैंने इसको बहुत बारीक काटा हुआ है। तकरीबन दो से तीन मिनट तक मैं इसको मीडियम फ्लेम पर इस तरह से भून लूँगी और अब इसको ट्रू पिज्ज़ा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डालूँगी पिज्ज़ा सॉस, ये होममेड है, एक खाने का चम्मच। ये मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ, इस रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सॉस को डालकर आप इसको मज़ीद दो से तीन मिनट तक पका लें। और अब बारी है इसमें सब्ज़ियाँ डालने की जो हम पिज्ज़ा पे डालते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज बारीक कटी हुई दो खाने के चम्मच, शिमला मिर्च
दो से तीन खाने के चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने दो कलर्स में इस्तेमाल की हैं, आपके पास एक है तो आप वही इस्तेमाल कर लीजिए। और मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए ऑलिव्स, ये मैंने ग्रीन वाले इस्तेमाल किए हैं, दो खाने के चम्मच। सब्ज़ियाँ इसमें जा चुकी हैं, आप इसको मिक्स कर लीजिए एक मर्तबा। सब्ज़ियाँ डालकर आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। और ये हमारी पिज्ज़ा कटलेट्स की जो फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। अब आप इसको साइड पे रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। फिलिंग जब ठंडी हो जाए तो अब आप इसको बनाने की तैयारी करें। सबसे पहले आप हाथों को ग्रीस कर लें और तकरीबन दो खाने के चम्मच पोटैटो मिक्सचर अपने हथेली के ऊपर इस तरह से फैला लें। और सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ग्रेटेड चीज़, आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं डालूंगी जो हमने पिज्ज़ा की टॉपिंग बनाई थी, इस तरह से इसके अंदर आप उसकी फिलिंग कर दें। और फिर साइड से इस तरह से आप इसको फोल्ड करना शुरू करें। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ से ये कवर हो चुका है। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं तमाम कटलेट्स को तैयार कर लूँगी। कबाब तैयार हो जाए तो आप पहले इसको फेंटे हुए अंडे में कोट कर लें। और दूसरी कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर क्रश किए हुए कॉर्नफ्लेक्स इस्तेमाल किए हैं, इसकी वजह से ये बहुत क्रिस्पी बन जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हैं तो आप ये इस्तेमाल कर लीजिए, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि ब्रेड क्रम्स तो हम अक्सर ही इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो चुकी है और ये कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज कर सकते हैं, दो हफ्तों के लिए आप इनको आराम से फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब आपको चाहिए हो आप इनको निकाल कर डिफ्रॉस्ट करें और इनको फ्राई करिए। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप इनको फ्राई कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म कर लिया है, ये तकरीबन एक चौथाई कप मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें एक एक करके पिज्ज़ा कटलेट्स डालती जाऊँगी और इसको आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि जो चीज़ हमने इसके अंदर डाली है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। एक तरफ से जब इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आप इनकी साइड चेंज कर दें। दोनों तरफ से इनका अच्छा सा कलर आ चुका है, अब मैं इनको किचन पेपर के ऊपर निकाल लूँगी। और ज़बरदस्त से ये पिज्ज़ा कटलेट्स तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि नए वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहें। और एक नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।